नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज नवंबर की 10 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को अपने अंदाज में फ्लोक्स लगाना सिखाऊंगी। और आपने मेरे गार्डन में देखा होगा कि लंबे टाइम तक ये फ्लोक्स बने रहते हैं, तो मैं कैसे किस तरीके से इनको लगाती हूँ अपने अंदाज में, बताने से पहले लगाने से पहले मैं इसकी बुनियादी बातों के बारे में कुछ आपको बता दूँ। तो ये जो फ्लोक्स होते हैं, ये न्यू मैक्सिको का नेटिव है। इसका नाम ग्रीक शब्द फ्लोक्स से आया है, जिसका मतलब होता है आग। इसकी कुछ वेराइटीज़ का कलर आग जैसा होता है, इसलिए इसका नाम फ्लोक्स है। ये एक बहुत ही पॉपुलर गार्डन प्लांट है। ये ड्वार्फ होता है और इसकी जो हाइट होती है करीब 1 से 1.5 फीट तक होती है। और ये बुशी होता है। इसकी जो स्टेम्स और ब्रांचेस होती हैं वो पतली होती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरल अरेंज्ड होती हैं। ये मीडियम साइज के होते हैं और ये पॉइंटेड होती हैं, जो इसकी लीव्स होती हैं। इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छों में लगते हैं, जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले देखे, और ये पूरे प्लांट को कवर कर लेते हैं। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनमें हल्की हल्की खुशबू होती है। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, क्रीम, येलो और रेड, और भी कई तरह के। प्रोपगेशन इसकी कैसे की जाती है? तो इन्हें सीड से सितंबर और अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। बट जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरा अपना ही एक अलग अंदाज है, मैं कुछ कुछ टाइम के बाद सीड जैसे लगाती ही रहती हूँ। तो कुछ एक प्लांट्स मेरे जो हैं ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं, और ये जो मैंने लगाए हैं ये 15 दिन के हैं। तो ये मैंने 22 अक्टूबर को ग्रो किए थे और 26 अक्टूबर, 4 दिन में ये जो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब ये 1 महीने के हो जाएंगे तो आप फिर इन्हें वो ट्रांसप्लांट उस टाइम कर दे। इसके लगाने के बाद 3 से जब हम सीड ग्रो करते हैं, तो उसके बाद 3 साढ़े 3 महीने में इसके जो फूल आना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इन्हें डायरेक्टली क्यारियों में जहाँ पोट्स में लगाते हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी आते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे को चलने में कुछ दिन वो ज़्यादा लग जाते हैं, हम अपनी रूट्स जमाने में, तो वो टाइम फिर वो सब है बच जाता है। और जब ये घने घने होते हैं तो मैं भी इनको जो है इसी में ही रखूंगी, पोट में रखूंगी। और ये बहुत घने हैं और कुछ इनकी मैं थिनिंग कर दूंगी, और जो थिनिंग करूंगी वो निकालूंगी और उनको अलग जगह में मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, और कुछ पौधे फिर इसी में ही चलने दूंगी। तो अगर आप इसको ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो इसकी सीडलिंग की आप जो है इसको पिंच कर दें, तो उससे जो प्लांट है बहुत बुशी हो जाता है, घना हो जाता है, उसमें फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो इनको धूप कैसी चाहिए? सीडलिंग की स्टेज में इन्हें ठंडा मौसम अच्छा लगता है। तो मैंने जिस जगह में इन्हें रखा हुआ है तो सुबह के ही 3-4 घंटे की धूप आती है, और जब इसको इसके इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं तो आप फिर पूरा दिन की इनकी धूप में रखें, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। मिट्टी इनको कैसे चाहिए? इन्हें लोमी सॉइल पसंद है। इस मिट्टी में ह्यूमस की खाद अच्छी लगती है, जैसे कि गली सड़ी पत्तियां, छाल वगैरह, ये सब पेड़ों के हिस्से होते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वो अगर आप मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और पानी कैसे देना है? हाँ, मिट्टी मैंने कई तरीकों की आपको बनानी सिखाई हुई है, तो उस तरीके से बना के आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। पानी इनको जो मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, इसलिए पानी इनको आपने रेगुलरली देना है। इनकी कई वेराइटीज होती हैं, जैसे कि स्नो वॉल ब्यूटी, येलो ब्यूटी, ब्लू ब्यूटी, ट्विंकल, ग्लोब वगैरह वगैरह। इन्हें पोट्स और क्यारियाँ दोनों में आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपके इनको सीड दिखाती हूँ। मैं सीड कुछ अपने ही अंदाज से चुनती हूँ, मैं अलग नहीं करती हूँ। तो जैसे ये सूख जाती हैं, पत्तियाँ सूखने लगती हैं, सीड तैयार होता है, तो मैं इन्हीं को तोड़ के स्टोर कर लेती हूँ। और ये फिर इस तरह के सीड पोड जो होते हैं, ये सीड पोड के साथ ही सूखे, इनको सुखा लेना है, तो ये ऐसे ही मैं स्टोर कर लेती हूँ। और इनको जब हम तोड़ते हैं सीड पोड को, तो ये देखिए कैसे सीड निकलते हैं इसमें, ब्लैक कलर के, ये इसमें सीड होते हैं इसके, ये देखा आपने। तो बस इसको मैं थोड़ा क्रश कर दूंगी और इसमें से ये सीड निकल आएंगे ऐसे करके, फिर मैं यही ग्रो करना आपको बताऊंगी।
ये मैंने जो पहले लगा रखे हुए हैं तो ये बड़े बड़े प्लांट्स हो चुके हैं, तो ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गया। अब कोई पोट मैं खाली करूँगी तो फिर उनमें मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो मैं इसी तरह से ये लगाती रहती हूँ, चाहे ये सितंबर अक्टूबर में ग्रो होते हैं बट मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ। वो ये कारण रहता है कि जब ये खिलना पहले वाले स्टार्ट होंगे और नेचुरली जब पहले खिलना स्टार्ट होंगे तो इनमें सीड भी पहले बनेगा, और जब इन पर सीड बनना स्टार्ट होता है तो फिर इन पर फूल आना थोड़े कम हो जाते हैं, अच्छे से फ्रेश मतलब उस तरह से नहीं आते हैं। तो पहले फिर ये तैयार हो जाएंगे और उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं 15 दिन के प्लांट्स, तब फिर वो फ्रेश फूल उन पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आज जो ग्रो करूँगी फिर वो मेरे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 इंची का पोट है, मैं इसमें डायरेक्टली ग्रो करूँगी, और इसमें पहले मेरे प्लांट्स लग रखे हुए थे, खूब अच्छी मिट्टी बनी है, इसमें अभी कोई भी खाद वगैरह नहीं दूंगी। तो ये देखा इस तरह से, ये बिल्कुल अच्छी मिट्टी है। तो एक हिस्सा मेरे गार्डन की मिट्टी है और एक हिस्सा जो मैंने है इसमें अपनी ये किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट और जैसे थोड़ी सी गोबर खाद और कुछ थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट लास्ट ईयर जो बनाई थी, तो एक एक हिस्सा उन तीनों का मिला के आधा उसका और आधा ये गार्डन की मिट्टी, तो ये मिक्स कर लिया है। अभी मैंने कुछ मिक्स नहीं किया, तो इसी मिट्टी में मैं ग्रो करूँगी। तो जो ऑर्गेनिक मिट्टी जब हम बनाते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जो चलती हैं। तो इसमें कुछ पौधे ये पिटूनिया के भी निकल रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए नहीं है, तो मैं इसमें ऐसे ही अब ये लगा दूँगी। तो ये मिट्टी हमने भुरभुरी कर ली है, ड्रेनेज सिस्टम मेरा अच्छा है। अगर मुझे लगेगा, अगर आपको प्लांट्स निकलने के बाद कि ये अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई दे सकते हैं और बड़े प्लांट्स हो जाएं, तो फिर आप अगर ज़्यादा घने होते हैं तो थीनिंग कर लें थोड़ी सी। तो ये सीड मैंने, ये सीड पोर जो है ये इन्हें तोड़ दिया है ऐसे, ये बीज इसमें से निकाल दिए हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है तो आप इन्हें इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, और थोड़े बड़े प्लांट्स हो जाएं तो फिर आप इन्हें बाहर रख सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपके जैसे हल्की धूप तो चाहिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल छाया में भी इन्हें नहीं रखना है, रात के टाइम ज़्यादा ठंड होती है तो रात के टाइम आप इन्हें इंडोर रख लें, और फिर सुबह के टाइम इन्हें जो है 3-4 घंटे की धूप में रख सकते हैं। तो सुबह क्योंकि हल्की हल्की धूप ही होती है, अब इस टाइम जो मौसम अच्छा हो गया है, ठंडक भरा हो गया, बस ये ऐसे लगा दिए हैं, तो ये खूब घने और अच्छे ये हो जाते हैं। बस इस तरह से मिक्स कर दिया मैंने ऐसे, और मिट्टी को मैंने जैसे आपको बताया ना, हल्का मॉइस्ट ही रखना है आपने, ऐसे भी इसको हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है ये। ऐसे जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये सीड निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है ऐसे ऐसे, तो ये 4 दिन में ही निकल आते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इन्हें लगाना चाहते हैं तो अभी ग्रो कर सकते हैं, और अगर ग्रो नहीं करना चाहते हैं नर्सरी से वो बने बनाए प्लांट्स इनके ला सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।